Hi guys, I'm Stuti from eVidyarthi and we are doing class 12 ka chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. In this session, we will talk about capital accounts, yani partners capital account. So, this is a whole session in which we will discuss capital account ki theoretical aspects and practically, iska account, yani partners ka capital account, how to make partners' capital account, what items hote hai, uske bare mein bhi discuss karenge. So, start karte hai session. Capital तो आप सबको पता है क्या होती है? That is the amount invested by the owner or by the proprietor in the business. Partners के केस में, partnership के केस में जो partners सारा amount invest करते हैं, उसको हम बोलते हैं partners capital. हर partner कुछ ना कुछ amount invest करता है और वो हो जाती है उसकी respective capital. अब difference ये आता है कि partners capital हमारे पास दो types की होती है. एक fixed capital होती है और एक fluctuating capital. Actually capital दो types की नहीं होती है. इसको show करने का यानी accounts में, books of accounts में partners capital को present करने के दो तरीके होते हैं. एक fixed capital और एक fluctuating capital. In case of fixed capital हम capital का account अलग बनाते हैं और capital से related जितने भी transactions होते हैं उनके लिए एक different account बनाते हैं. That is partners current account. मतलब जितनी भी capital originally invest की जाती है, withdrawals of capital and introduction of capital वो जाते हैं capital account में और capital से related जो transactions होते हैं such as commission या फिर interest on capital, interest on drawing, profit जो आप transfer करते हो capital accounts में, salaries to the partners, partners से related जो भी और extra transactions होते हैं वो चले जाते हैं partners current account में. इससे फायदा क्या होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो अनअल्टर्ड रहती है, यानी वो चेंज नहीं होती. वो अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं करी है कैपिटल की या फिर विड्रॉल नहीं करा है तो आपका कैपिटल का बैलेंस स्टार्ट से लेकर एंड तक एज इट इज शो होगा और जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चेंजेस आ रहे हैं वो करंट अकाउंट में शो होंगे. तो आपकी कैपिटल फिक्स्ड रहती है, उसमें चेंजेस नहीं आते. दिस इज द फिक्स्ड कैपिटल मेथड. अब जब आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की तरह से काम करते हो तो क्या होता है, अब सारे ट्रांजैक्शंस यानी कैपिटल या पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो आप सारे कैपिटल अकाउंट में डाल देते हो और करंट अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होती. तो इन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट. वेयर इज इन फिक्स्ड कैपिटल only the capital and withdrawal of capital and introduction of capital is recorded in capital account and remaining all other transactions related to partners are recorded in the current account in case of fixed capital. Difference समझ आया? एक fixed capital है जिसमें दो accounts बनते हैं, capital account और current account, और एक fluctuating capital है जिसमें हम सिर्फ capital account बनाते हैं और सारे transactions उसी में record करते हैं. Theoretically समझ आ गया? अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली हम कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं. तो हमारे पास फॉर्मेट रेडी है जिसको हम डिस्कस करेंगे. हम स्टार्ट करें फिक्स्ड कैपिटल से. जब फिक्स्ड कैपिटल होती है तब हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है बैलेंस कैरिड डाउन, यानी जो भी बैलेंस आपका प्रीवियस ईयर से कैपिटल का आ रहा है वो आप कैरी करोगे. सिंपल है. नेक्स्ट हमने क्या बात करी थी, फिक्स्ड कैपिटल में सिर्फ विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, सिर्फ यही दो ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कैपिटल में रिकॉर्ड किए जाते हैं. तो टू कैश और बैंक अगर आपने विड्रॉल करा है तो एंट्री आ जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट विड्रॉल की एंट्री आ जाएगी या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैपिटल की बाय कैश अकाउंट और बाय बैंक अकाउंट एंट्री हो जाएगी. कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंट्रोडक्शन की एंट्री आ जाएगी आपके कैपिटल के क्रेडिट साइड में. इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में इन दो ट्रांजैक्शंस विड्रॉल और इंट्रोडक्शन के अलावा और कोई ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल की जब हम बात करेंगे तो ये होगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट ये रहेगा. इसकी वजह से क्या होगा, जो बैलेंसेस है पार्टनर के कैपिटल के उनमें चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें फ्रिक्वेंटली चेंजेस नहीं आएंगे. चेंज कब आएगा, या तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल हो या फिर ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल हो. कैपिटल अकाउंट बन गया. अब हम बनाएंगे करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स्ड में हमें करंट अकाउंट बनाना आता है. अब सबसे पहले हमारे पास अगेन वही चीज आ गई, बैलेंस कैरिड डाउन. जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप करोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बट इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि करंट अकाउंट्स का
डेबिट बैलेंस हो, तो डेबिट बैलेंस आपके पास आ जाएगा डेबिट साइड पे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीनों पार्टनर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, एक्स वाई जेड हमारे तीन पार्टनर्स हैं, बैलेंसेस कैरी ब्रॉट डाउन कर लिए। अब बारी है पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की जो हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्रॉइंग्स आ जाएंगी आपके पास एक्स वाई एंड जेड की, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट, यानी अगर आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्रॉइंग्स पे वो आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद लास्ट में करेंगे। ड्रॉइंग्स आ गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया, और क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आपने कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया है तो वो आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन अकाउंट, अगर आपने कमीशन पे करा है तो कमीशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बाय सैलरी अकाउंट, अगर आपने किसी पार्टनर को सैलरी दी है तो वो आ जाएगी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ, तो ये सारे ट्रांजेक्शन थे। अब हमने देखा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो अगर तो हमारे पास लॉस है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट आ रहा है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्स वाई जेड में तीनों में प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। अब ये सारे ट्रांजेक्शन करने के बाद हम बैलेंसेस को कैरी कर लेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो टू बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, और अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास बन जाएगा पूरा हमारा करंट अकाउंट। ये सारे ट्रांजेक्शन जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं जो हमने करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करे। अब ये तो था हमारे पास फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट। अब अगर मान लो हमारे पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होती है, फिक्स कैपिटल का समझ आ गया सबको, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो फ्लक्चुएटिंग के केस में करंट अकाउंट जैसी कोई चीज नहीं होती, उसमें हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और जितने भी सारे ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे के सारे हम डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट में, यानी ये दोनों अकाउंट्स एक तरह से मर्ज हो जाते हैं। बैलेंसिंग को हटा देंगे, क्योंकि बैलेंसिंग को हमने क्यों हटा दिया, क्योंकि एक ही बार आप स्टार्टिंग में बैलेंस कैरी करोगे और एक ही बार लास्ट में करोगे, दो बार थोड़ी करोगे। तो अब जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब होती है तो हम सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, विड्रॉल्स को भी उसी में रिकॉर्ड करते हैं, एडिशंस को भी उसी में रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इसके अलावा अगर और कुछ है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, हम करंट अकाउंट में कुछ नहीं करते, करंट अकाउंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, फिक्स कैपिटल में दोनों को अलग अलग बना दो, कैपिटल अलग बना दो और करंट अकाउंट अलग बना दो, और जब फ्लक्चुएटिंग है तो सबको एक साथ बना दो, तो चीजें सेम है बस प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। आई होप आपको ये सेशन कैपिटल अकाउंट का समझ आया, ये फॉर्मेट आपको याद कर लेना है, याद से मतलब समझना है और फिर उसको लर्न भी करना है, क्योंकि यही आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बनाने के लिए भी आएगा जब कैपिटल अकाउंट्स बनाने होंगे। आई होप आपको ये सेशन समझ आया, एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।